कनाडा देश हम इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो कनाडा में 1.8 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। और पंजाबी लोगों को तो कनाडा दूसरे घर के जैसा ही है। आज हम इस वीडियो में कनाडा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो इस देश को यूनिक बनाते हैं बाकी देशों से। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा ही दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं मिस ना हो जाए और हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन और नया जीवन शुरू करने के लिए योग्य सिटीज़ में कनाडा के 3 सिटीज़ आते हैं, टोरंटो, वैंकोर और ऑटवा। ये सिटीज़ अपने कल्चर, एजुकेशन सिस्टम और लो क्राइम रेट्स की वजह से बेस्ट सिटीज़ है नया जीवन शुरू करने के लिए। दुनिया में कनाडा ही एक ऐसा देश है जो UFO लैंडिंग पैड बनाया है। हाँ, आपने सही सुना, UFO लैंडिंग पैड। इस लैंडिंग पैड को 1967 में कनाडा के सेंट पॉल टाउन में बनाया गया है, लेकिन अब वे वहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। कनाडा में पोलार बियर्स का जेल भी है। इस जेल के अंदर 28 सेल्स है और इसे इसलिए बनाया गया है कि पोलार बियर्स को अपने जगह में खाना नहीं मिलने की वजह से वो कई बार खाना ढूंढते ढूंढते पास के टाउन में जो घर होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इनको भी सजा होगी उनकी गलती का। उनकी सजा ये होती है कि उनको 30 दिन तक सिर्फ थोड़ी सी खाना और पानी देके उनको सजा दी जाती है ताकि वो फिर से टाउन में ना आ पाए। 30 दिन के बाद उन्हें फिर से उनके जगहों में छोड़ दिया जाता है। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में रहने वाले लोग अपने कार्स के लिए पोलार बियर शेप्ड नंबर प्लेट्स यूज करते हैं। ये इसलिए कि इस पोलार बियर शेप्ड लाइसेंस प्लेट को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस लाइसेंस प्लेट को प्लेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। इसलिए तब से आज तक वहाँ के लोग इसी शेप का नंबर प्लेट यूज करते आ रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो शहर में दुनिया का सबसे छोटा जेल है, जिसको 1884 में बनाया गया था। ये जेल सिर्फ 14 फीट चौड़ा और 17 फीट लंबा है और इसके अंदर सिर्फ 2 सेल्स है। मोस्ट एजुकेटेड कंट्री, कनाडा में पूरे दुनिया के देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ पर 56% से भी ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं। पूरे दुनिया के मुकाबले कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा लेक्स है। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कनाडा के अंदर 31,000 से भी ज़्यादा लेक्स है। दुनिया के 7% लेक्स कनाडा में ही हैं। कनाडा के लोग हॉकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि कनाडा के अंदर 3,300 से भी इंडोर हॉकी रिंक्स है और 5,000 से भी आउटडोर आइस हॉकी रिंक्स है। कनाडा की हॉकी टीम इस टाइम में दुनिया का बेस्ट हॉकी टीम है। कनाडा के मेंस हॉकी टीम पिछले 4 ओलंपिक्स में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। लो ग्रेविटी, कहा जाता है कि कनाडा के हडसन बे रीजन में एक जगह है, वहां पर पूरे दुनिया के मुकाबले सबसे कम ग्रेविटी है। कनाडा में $1 मिलियन का कॉइन्स भी है। कनाडा में $1 मिलियन का 6 गोल्ड कॉइन्स है। ये गोल्ड कॉइन्स 3 सेंटीमीटर मोटा है और 21 इंचेस इनका डायमीटर है। इन गोल्ड कॉइन्स का एक एक का वजन है वो है 100 किलोग्राम्स और इनके ऊपर क्वीन एलिजाबेथ 2 का चित्र बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।